जम्मू कश्मीर आतंकवादी हमले पर सियासत भी काफी गर्म हो गई है और इस बार AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है, हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखा। इंटेलिजेंस क्या कर रहा है कश्मीर में, हथियार आ रहे हैं, अरब के मैच खेलेंगे, पाकिस्तान के पास से टेररिस्ट आ रहे हैं, कौन सा सीज फायर आपने किया LOC पर, क्यों किया आपने ऐसा, ऐसी फायर किया कि ड्रोन से हथियार आते, 370 निकाला तो बहुत बहुत बोले थे, सब खत्म हो गया कश्मीर में। क्या खत्म हुआ? कुछ खत्म नहीं हुआ। टारगेटेड किलिंग कश्मीर में हो रही है, यह मोदी सरकार की नाकामी है जो कश्मीर में हो रहा है। आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है टेररिज्म के ऊपर। और बीजेपी के महासचिव तरुण चुग ने AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के हमले पर पलटवार किया है। तरुण चुग ने कहा है कि केंद्र में मोदी की सरकार है जो आतंकियों का चुन चुनकर खात्मा करेगी। जिस तरह से आतंकवादियों ने इनोसेंट लोगों को किलिंग शुरू किया है, क्या आपको लगता है कि निर्णायक मौका अब आ गया है, आर या पार करना चाहिए? ऐसा है कि वो हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछले 7 वर्षों में उनको धराशायी किया है, एक एक आतंकवादी को कब्र में लटाया है, ISI के मंसूबों को असफल किया है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, अब भी उनके मंसूबों को असफल करेगी। भय का वातावरण पैदा करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। एक भी आतंकवादी जो निर्दोषों की हत्या कर रहा है, उसे छोड़ा नहीं जाएगा।